92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी आज से लगभग सवा साल पहले, वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जलंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं, उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना जबरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए, उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, केवल 2 जलंधर सेंट्रल और जलंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जलंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जलंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिल्लौर और जलंधर नॉर्थ, जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जलंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे, आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने